अभी मैं इतना बारिश हो रहा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहाँ पे डॉक्टर सिद्धा रेड्डी मैडम के घर पे आज बहुत बड़ा फंक्शन था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन कम से कम यहाँ 300-400 महिला लेडीज़ जमा हुए थे, 3 घंटे से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमको दूसरा एक प्रोग्राम था जो लिंगायत समाज का, खाली लिंगायत समाज के लोग मुझे बुलाए थे, तो वहाँ पे भी वो फंक्शन अटेंड करके आया हूँ। तो हर बार सिद्धा रेड्डी मैडम खासकर महिलाओं को लेके बहुत बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा सेवा किए हैं। डॉक्टर सिद्धा रेड्डी मैडम के बारे में तो सभी पूरी बिदर की जनता जानती है, तो स्पेशली वो लेडीज़ में बहुत ही काम किए हैं, तो आज मेरे लिए एक लेडीज़ का स्पेशली कार्यक्रम बुलाए थे। कांग्रेस पक्ष के आज रहीम खान साहब LIG कॉलोनी में आए हैं, जो मत याचने के लिए आए हैं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में, जहां सिद्धा रेड्डी आंटी के घर में आए हैं, और यहां पर काफ़ी लोग जमा है, जो आप देख सकते हैं पीछे महिलाएं, बुज़ुर्ग लोग, बहुत सारे लोग आए हैं, तो काफ़ी लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है लोगों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ मैं हाउसिंग बोर्ड में जीता हूँ, यहाँ मैं कांग्रेस का उम्मीदवार था, जहाँ पर हर कम्युनिटी के वोट लोग होते हैं, हर कम्युनिटी से मुझे वोट पड़े हैं, जैसे रहीम खान को साहब को जो पड़ते हैं हर जगह पे, तो लिंगायत समाज के भी बहुत सारे वोट से हमारे एरिया में जहाँ पर मुझे भी पड़े हैं और रहीम खान साहब को भी पड़ेंगे। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स है लोगों में, और साहब ऐसे ही आते रहेंगे, और इनको आगे हम जिता के अच्छा एक गवर्नमेंट भी आने का चांसेस है, साहब को हम एक अच्छा पोस्ट पे देख के उनको एक उनसे अच्छा डेवलपमेंट काम हम करा ले सकते हैं बीदर की जनता को। मैं बीदर की जनता और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो वार्ड नंबर 13 में आता है, उन सभी से गुजारिश करता हूँ, सभी अच्छे से ज़्यादा वोट दे के कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उनका सीरियल नंबर 4 है, उसको वोट दे के हम अच्छा बहुमत दे के रहीम खान साहब को जिताएंगे। थैंक यू। सभी को आदाब। अभी मैं इतना बारिश हो रहा है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जहाँ पे डॉक्टर सिद्धा रेड्डी मैडम के घर पे आज बहुत बड़ा फंक्शन था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन कम से कम यहाँ 300-400 महिला लेडीज़ जमा हुए थे, 3 घंटे से वेट कर रहे थे, क्योंकि हमको दूसरा एक प्रोग्राम था जो लिंगायत समाज का, खाली लिंगायत समाज के लोग मुझे बुलाए थे, तो वहाँ पे भी वो फंक्शन अटेंड करके आया हूँ। तो हर बार सिद्धा रेड्डी मैडम खासकर महिलाओं को लेके बहुत बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा सेवा किए हैं। डॉक्टर सिद्धा रेड्डी मैडम के बारे में तो सभी पूरी बिदर की जनता जानती है, तो स्पेशली वो लेडीज़ में बहुत ही काम किए हैं, तो आज मेरे लिए एक लेडीज़ का स्पेशली कार्यक्रम बुलाए थे, तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष जाप शेट्टी सर आए थे, और रितिकंत स्वामी जी, उनके एक्स ZP अध्यक्ष, उनके मिसेस मैडम भी आए थे, और एक्स MP सुरेंसी सर वो भी आए थे इस कार्यक्रम में, हमारे अमृत चिमकोड़ सर भी आए थे जो प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं, और यहाँ के काउंसलर हमारे दोड्डी साहब भी आए थे। इस तरह से सभी बहुत से लीडर भी आए थे। बारिश में भी हम प्रोग्राम कैंसिल करना बोल के डिसाइड किए थे, लेकिन यहाँ की महिला जो कार्यक्रम में जो यहाँ पे यहाँ की जनता जो आई थी, वो लोग प्रोग्राम कितना बारिश हो गई तो भी छतरी लेके ठहरे,
आपके पास आप देख सकते हैं सभी महिला छतरी, कम से कम 200 लोग तो छतरी में लिए हैं और आधे से ज़्यादा यहाँ पे लेडीज़ टाइम हो गया बोल के वापस गए हैं। तो मैं सभी लेडीज़ को और सभी साथ जो भी उनके आए हैं सपोर्टर, उनके भाई बहन, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इतना प्यार, इतना विश्वास मुझ पे किए हैं, तो इसके लिए मैं बिदर की पूरी जनता को, स्पेशली महिला को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोगों को और मीडिया को भी धन्यवाद बोलता हूँ। बिदर ने कांग्रेस अभ्यर्थी और आदम था, बिदर ने कांग्रेस अभ्यर्थी और आदम था श्रीयुत रहीम खान और गेलु ಖಚಿತವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನ ಎಂದೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿದೆ, ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು 4:30 ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಜನ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು 2 ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.